ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडी इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर कोई एनर्जी अवेलेबल है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके, कन्वर्ट करके हम दूसरे एनर्जी में कैसे यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट अ जनरेटर. जब लाइट जाता है, जब हम जनरेटर यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल का एग्जाम्पल क्या है, इंजिन या फैन. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी. इलेक्ट्रिकल से हीट इज नथिंग बट हीटर, गीजर सबके यहाँ पे है. अगेन आयरन कैन बी एन एग्जाम्पल. इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है. सो दैट इज इलेक्ट्रिकल टू हीट कन्वर्जन. सिमिलरली हीट टू इलेक्ट्रिकल इज थर्मोकपल. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल टू साउंड का एग्जाम्पल इज लाउड स्पीकर. साउंड टू इलेक्ट्रिसिटी इज माइक्रोफोन. इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये सारे एग्जाम्पल्स ये है. ये आपको बाई हार्ट करना है. ये यहाँ पे मैंने ऐसा चार्ट फॉर्म में दिया है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इफ यू वॉन्ट यू कैन बाई हार्ट इट दिस वे. बट एग्जाम में जब भी आप लिखोगे, आप स्टेटमेंट में लिखोगे कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट इंजिन, सेकेंड जनरेटर. मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम्पल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल इंजिन. और हर एक का, यानी लाइट से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी से लाइट, ये जो भी कन्वर्जन्स है, हर एक के कम से कम दो दो एग्जाम्पल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड, प्लस वन वन एग्जाम्पल यू विल एड फ्रॉम योर साइड एज वेल. दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क. So let's see transformation of energy in that things which we have studied. For example, kinetic and potential. अभी मैंने कहा कोई भी object rest पे होता है तो उसको force apply करना पड़ता है and then it is set into motion. जैसा ये अभी bicycle है कि ये जा रहा है ऊपर, motion में है, इसीलिए इसके पास कौन सा energy होता है हमेशा, kinetic energy. ये common है सारे चीजों के लिए. So better remember that whenever an object is in motion, it will always have kinetic energy. Whenever it is at a height from the ground, यानी ground level से बहुत ऊपर होता है एक point पे, तो यहाँ पे क्या होता है, slow हो जाता है या almost हम रुक जाते हैं. इसीलिए इस point पे अपने पास क्या होता है, potential energy. Again when we come down, the object is in motion, तो जो potential energy है is again converted to kinetic energy. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, kinetic energy converted to potential, again potential converted to kinetic. समझ में आया, यही कंसेप्ट वापस यूज होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में स्टार्ट हो रहा है तभी भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा. जब भी वो ऐसा बीच में आया और रेस्ट पे है या उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा है, इन दैट केस इट विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी एट इट मैक्स. एंड अगेन वापस जब वो बाहर आएगा, यानी नीचे उतर रहा है, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. अगेन दैट एनर्जी विल बी मैक्सिमम. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही उसका यूजेज होता है. आई होप एवरी वन इज क्लियर बाय नाउ. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज अपना थर्मल पावर हाउस कैसे होता है. तो ये देखो, ये डैम है, यहाँ पे वाटर एक हाइट पे स्टोर होता है. अब क्योंकि ये वाटर ग्राउंड लेवल से एक हाइट पे स्टोर हुआ है, इसीलिए ये वाटर के पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहता है. सो व्हेन दिस वाटर इज अलाउड टू फ्लो, तो जब फ्लो हो रहा है मतलब मोशन में है, सो दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. विच मीन्स यहाँ पे हाइट पे स्टोर करने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. वो पानी जब ये टर्बाइन्स पे जाता है तो ये गोल गोल घूमना शुरू होता है, विच एक्ट्स एज अ जनरेटर एंड इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो ये वायर्स के थ्रू अपने पास टावर्स में आता है. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. सो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कब कब हुआ, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, पानी फ्लो हुआ तो पोटेंशियल गॉट कन्वर्टेड टू काइनेटिक, एंड दिस पोटेंशियल एंड काइनेटिक मिला के गॉट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ दिस टर्बाइन. समझ में आया. सो दिस इज हाउ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में काफी बार आता है टू एक्सप्लेन, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ऑफ अ सिंपल पेंड्यूलम. अभी एक एक्सपेरिमेंट है कि एक स्ट्रिंग अटैच करना है, उस पर ये पेंड्यूलम अटैच करना है, एंड वी हैव टू मेक दिस पेंड्यूलम मूव.
such that ये side पे B is the maximum position it is going, opposite side पे C is the maximum position it is going. So we observe that जब भी pendulum को move करते हैं तो A से B जाते वक्त वो motion में होता है. So whenever it goes from A to B, it is having maximum kinetic energy. जैसे ही वो पॉइंट बी पे पहुंचता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है या उसका एनर्जी जो है कम हो जाता है, इसके लिए इस पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है. यू कैन सी कि ग्राउंड लेवल से इसका हाइट, ग्राउंड लेवल से इसका हाइट ज्यादा है, तो इसके लिए इसके पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. सिमिलरली जब ये वापस आएगा तो अगेन फ्रॉम बी टू ए यानी बीच में हमेशा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और वापस ए से सी जाएगा तो अगेन ए से सी के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन सी के पॉइंट पे पहुंचते ही उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी. सो इन दिस सिंपल पेंडुलर एग्जांपल वी नो दैट पोजीशन ए पे हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोजीशन बी एंड सी पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, एंड इन बिटवीन यानी ए से बी और बी से सी के बीच में हमेशा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों रहेगा. क्यों? क्योंकि ये जो ए से बी जा रहा है तो मैंने बोला ना कि बी पे यहाँ पे थोड़ा सा कम होते जाएगा, सो दिस काइनेटिक विल गेट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, यानी काइनेटिक कम होते जाएगा और पोटेंशियल बढ़ते जाएगा. सिमिलरली जब ये वापस आ रहा है तो पोटेंशियल कम होते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा. सो दैट इज हाउ वी से कि यहाँ पे सी पे एंड बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, ए पे सिर्फ काइनेटिक होगा, लेकिन ए से बी और ए से सी के बीच में हमेशा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी होगा. आई होप एवरी वन इज क्लियर विद द एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज इट वेल. अगर कुछ भी डाउट्स है तो लेट मी नो. ये एग्जाम्स में आते हैं काफी बार थियोरी के लिए और आपको डायग्राम के साथ करना है. ये डायग्राम नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन सिंपल पेंडुलम का डायग्राम आना चाहिए विद ऑल दिस लेबलिंग्स. आज का होमवर्क भी क्लियर हो गया रहेगा सबको. इफ नॉट गो थ्रू द वीडियोस अगेन एंड मेक श्योर यू सबमिट होमवर्क बाय 10 PM टुडे. इफ एनी डाउट्स लेट मी नो. विल कीप अ डाउट डिफिकल्टी सेशन इन दिस वीक एज वेल. थैंक यू.